हेलो वंडरफुल प्लांट लवर्स, मेरी दो और शॉपिंग, एक मुझे आया है ऑरेंज कलर के डबल पेटल एम्ब्रेस लिली के सीड, सॉरी बल्ब्स मैंने जो मंगाए थे वो हैं। सेकंड ल्यूपिन के हैं, ल्यूपिन का बाद में दिखाते हैं, पहले हम बल्ब देख लेते हैं। इसमें टू साइज़ तो मैंने बिग वन मंगाए थे और बाकी के जो हैं स्मॉल साइज़ थे। स्मॉल में देखते हैं अंदर क्या निकलता है, बिकॉज़ खोलना मैंने स्टार्ट कर ही दिया है। बिग साइज़ जो था मेरा वो मैं दिखा देती हूँ आपको, मुझे दिख गया वो निकाल लेते हैं। मैं जो सेलर ने मेरे साथ जो पिक वगैरह शेयर करी थी वो मैं साथ में इसमें भी डालूंगी आपको। देखिए बिग साइज़ मुझे बिग के नाम पर ठीक ही लगे, स्मॉल कुछ ज़्यादा स्मॉल दिख रहे हैं, आपको भी दिख रहे होंगे, बट इट्स ओके। ये थोड़े टाइम बाद धो जाएंगे, हम बड़े वाले लगा देते हैं ताकि हमें फ्लावरिंग तो हमें जल्दी मिल जाएगी। ये आपको ईयर में 3 टाइम फ्लावरिंग करेगा, ऑरेंज फ्लावर आएगा इसमें डबल पेटल का, और बल्ब के साथ भी जो बड़े वाले बल्ब हैं उसके साथ भी एक जो है स्मॉल बल्ब जो है न्यू डेवलप शूट्स हो रहा होगा ना वो उसके अंदर आया हुआ है। जिनसे मैंने ये बाय किया है वो और भी प्लांट सेल करते हैं, तो उनका जो नंबर है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आप चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में बोलिए प्लीज़ सब्सक्राइब करने के लिए। साथ ही इसको मैं जब प्रोपेगेट करूँगी, जो सॉइल में रेडी करूँगी, क्योंकि एक मेरा जो बैग है वो रेडी हो गया है मेरे किचन वेस्ट से, तो वो भी आपको मैं शो करूँगी जो बनकर रेडी हो गया है। अगर वो हाफ़ डीकम्पोज होगा, अभी से उससे 2 मंथ्स के अप्रॉक्स तो हो चुके हैं, तो फिर अगर वो हाफ डीकम्पोज की कंडीशन में भी लगा तो उसे नीचे हम एक लेयर में लगाएंगे और उसके ऊपर हम सॉइल बनाएंगे। ये उस पैकेट के अंदर जितने भी बल्ब्स निकले ये वो हैं। देखिए स्मॉल में जो थोड़े बड़े थे वो मैंने नीचे रॉ में रखे, और जो उससे भी छोटे थे ना वो मैंने उससे ऊपर रखे, तो आप देख सकते हो ये सिंगल बल्ब है। इसमें आसपास और कोई बल्ब मुझे साथ में लगकर नहीं आया। और इसके साथ ही देखिए साइड में ये एक और बल्ब इसके साथ है जो प्रोपगेट हो रहा है, अगर उन सॉइल से निकाला होगा। ये वन मोर बल्ब्स है। 13 बल्ब्स की बात हुई थी, बट 13 से तो ज़्यादा ही आए हैं मुझे, 3 तो उसी को मान लीजिए, 6 ये छोटे हैं जिसमें प्रोपगेशन ही। देखिए लीव का प्रोपगेशन भी इसमें स्टार्ट है, और जो ऊपर के 6 हैं वो थोड़े से स्मॉल हैं तो वो चलेगा, उन्हें हम अलग पॉट में लगा देंगे, एट ए टाइम वो बढ़ते रहेंगे, और ये बाकी के जो हैं इन्हें एक ही पॉट में लगा देंगे, बिकॉज इनकी ग्रोथ काफ़ी फास्ट है। ज़मीन है नहीं मेरे पास, तो फिर इन्हें पॉट में ही लगाऊंगी, ताकि पॉट में मैं ये सोच के लगाऊंगी, क्योंकि ये साइज़ अपना बहुत जल्दी इंक्रीज़ करते हैं, तो एक ऐसे पॉट के अंदर कम से कम अभी स्टार्टिंग में तो मैं कम से कम 12 इंच के पॉट में लगाऊंगी, ताकि ये अपनी ग्रोथ जो फटाफट करें। बल्ब के नीचे रूटिंग भी है इनमें, जड़ें इसके साथ आई हुई हैं, रूट्स हैं इनके अंदर, तो डेवलप होने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसे मैं जल्दी ही शो करूंगी, और साथ ही मैं आपको दिखा दूं कि सेलर ने जो मुझे फ्लावर पिक भेजा था, जो बल्ब का साइज़ भेजा था वो, और थोड़ी सी बार्गेनिंग वो तो बनती है। अगर एक आप प्लांट लवर हो और शॉपिंग कर रहे हो तो बार्गेनिंग तो बनती है, शॉपिंग जाओ तो भी बार्गेनिंग बनती है, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ी सी वो करी तो प्राइस इसका थोड़ा कम हो गया था। बिग वन मुझे ओवरऑल आप मान के चले 170 मुझे तब पड़ा, और बाकी कोरियर चार्जेस था। तो ये मेरा इसका एम्ब्रेस लिली का बल्ब शॉपिंग थी जो मैंने करी। सेकंड जो शॉपिंग है मेरी ल्यूपिन की है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। बल्ब साइज़ बहुत अच्छे हैं, अभी मैं इन्हें लगाऊंगी तो मुझे 1.5 महीना कम से कम लगेगा इसकी ग्रोथ को होने के लिए। डॉर्मेंसी इनमें कभी होता नहीं है, बिकॉज एवरग्रीन रहते हैं प्लांट, आप एक बार लगाओ बल्ब डेवलप ही होते रहते हैं, बिकॉज उन्होंने भी मुझसे यही कहा था कि 2 ही बल्ब उन्होंने बाय किए थे और उसके बाद ही बहुत सारे हो गए उनके पास। ये पिक है फ्लावर की जो उनके गार्डन में ब्लूम हुआ था, ये वो है, और ये जो सेलर ने मुझे शो किए थे कि ये देखिए बल्ब के साइज़ स्मॉल साइज़ के होंगे, तो ये वो कुछ है। चलिए ये देखने के बाद ल्यूपिन पर चलते हैं। ये ल्यूपिन के सीड्स हैं, ये आए तो लुधियाने से हैं, मैंने लुधियाना है, इनका भी मैं कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दूंगी, बिकॉज़ अभी इनके पास ल्यूपिन सीड्स और भी हैं, शायद आप चाहें तो इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको सीड्स चाहिए तो कॉन्टैक्ट करने के लिए केवल व्हाट्सअप या आप मैसेंजर ही करें, डायरेक्टली कॉल नहीं करें, देख लीजिएगा जो भी लगे, बिकॉज मैंने तो चैट पर ही सारा कुछ किया था इनसे। तो ये सीड मुझे मिले हैं ल्यूपिनस के। ल्यूपिन जो है वो विंटर फ्लावर है, विंटर में ही इसकी ग्रोथ होती है, फ्लावरिंग जब इसके ब्लूम होते हैं तो उसके बाद वहाँ पर जो पोर्शन है वहीं पर इसके सीड बन के रेडी होते हैं, तो ये वो वाला पार्ट है। 45 सीड्स की बात हुई थी, बट ये मैंने
जो है काउंट किए थे ये 45 से तो ज़्यादा ही हैं, तो अच्छा है। कुछ अगर जर्मिनेशन नहीं भी हुआ किसी का तो कोई बात नहीं, वो ओवरऑल एक बराबर हो जाएंगे। सीड्स कंडीशन हाल फिलहाल तो बहुत अच्छी लग रही है। इनकी डिलीवरी मुझे बहुत लेट हुई, ये मुझे आज ही रिसीव हुए, आज है 2nd of November, आज 2nd November है, ये मुझे आज रिसीव हुए हैं। दोनों ही चीज़ें, दोनों ही कोरियर मुझे आज मिला है। तो इन दोनों ही सेलर्स के कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन पर डाल दूँगी, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, सीड्स बाय कर सकते हैं। ल्यूपिन के सीड्स जो हैं वो मुझे 50 रुपीज़ में मिले हैं, और 22 या 24 रुपीज़ मेरा जो है वो इंडियन पोस्टल चार्जेस जो लगे थे ये वो लगे हैं। सीड्स काफ़ी अच्छी कंडीशन में है और ल्यूपिन बहुत ही खूबसूरत लगता है। इन्होंने भी जो मेरे साथ इनके प्लांट की और सीड्स की जो पिक शेयर करी थी वही सेम पिक्स और जो इनके प्लांट की थी, क्योंकि ये मिक्स सीड हैं तो मुझे भी नहीं पता कि किस में क्या निकलेगा। हम वो सीड देख लेते हैं जो सेलर ने पिक शेयर करी थी, ये वो पिक है, साथ में फ्लावर्स हैं। बिकॉज ये मिक्स मैंने लिए हैं तो अब किस में कौन सा कलर निकलेगा ये हमें ग्रो होने के बाद पता चलेगा। तो आप लोग यहाँ से सीड्स बाय कर सकते हैं। हैप्पी गार्डनिंग, खूब इंजॉय कीजिए विंटर फ्लावर्स को।